झारखंड में बारिश का दौर जारी। 24 मई तक कई जिलों में अलर्ट। झारखंड में मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों के लिए यानी 21 से 24 मई तक बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इससे जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं कुछ इलाकों में सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है। कई जिलों में येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने मंगलवार 21 मई के लिए पाकुड़, साहिबगंज, गिरिडीह और गोड्डा जिलों के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। इसके अलावा देवघर, दुमका और जामतारा के कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश और वज्रपात का आसार है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे में कैसी रही बारिश? पिछले 24 घंटे में राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। राज्य में तो तेज हवाओं के साथ कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। वहीं सबसे अधिक बारिश सिमडेगा जिले में दर्ज की गई है, जहां 46.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारिश लाएगी गर्मी से राहत। मौसम में आ रहे इस बदलाव का असर तापमान पर भी पड़ेगा। बारिश और वज्रपात की संभावना वाले इलाकों में तापमान में गिरावट आने का अनुमान है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। बारिश और वज्रपात के दौरान सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे घरों के अंदर ही रहें, खासकर खुले मैदानों से बचें। तेज हवाओं के दौरान मजबूत घरों में रहें और पेड़ों, बिजलियों के तार व अन्य ऊंचे ढांचे से दूर रहें। यदि बाहर निकलना जरूरी हो तो मजबूत छतरी का इस्तेमाल करें। नदियों या जल निकायों के पास जाने से बचें। बिजली गिरने की आशंका के चलते तूफान के दौरान बिजली के उपकरणों का उपयोग ना करें।